सीएम हरीश रावत भले ही तंगहाली को लेकर केंद्र को हर वक्त कोसते हों, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। केंद्र ने केवल चारधाम रूट के लिए ही अरबों का बजट मंजूर किया है। इससे प्रदेश में आर्थिकी की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा और सुगम हो जाएगी। केंद्र की दरिया दिली ने खोली हरीश सरकार की पोल। सरकार मदद ना देने का बेवजह बजाती है ढोल। चारधाम और नई सड़कों के लिए मिला है भरपूर बजट, मगर कांग्रेसियों को अब ये भी रहा खटक। सीएम हरीश रावत भले ही गाहे बगाहे मोदी सरकार को कोसते फिरते हों, मगर हकीकत क्या है आप खुद देखिए। अकेले सड़कों को लेकर ही उत्तराखंड को 18,000 करोड़ से 19,000 करोड़ के काम कराने को मंजूरी मिल चुकी है। चारधाम यात्रा रूटों को लेकर तो भरपूर बजट मिला ही है, साथ ही राज्य में नए 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को भी मंजूरी दी गई, जो मैदानी जिलों में परिवहन व्यवस्था को ज्यादा सुगम बना सकेगी। इसका निर्माण 5,668 करोड़ से होगा। आपको दिखाते हैं कहां से कहां तक की सड़कें होने वाली हैं चकाचक। ऋषिकेश से गौरीकुंड और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 7 सड़कों पर काम शुरू। 11,700 करोड़ से बनने वाली इन सड़कों के लिए 750 करोड़ रुपए टेंडर भी जारी। कई हिस्सों के लिए वन मंजूरी हासिल करने की कोशिश जारी। परियोजना को 2020 तक पूरा करने का प्रस्ताव। इन 7 राजमार्ग परियोजनाओं में सड़कों का चौड़ीकरण भी शामिल। सुरक्षा के भी उपाय होंगे। भूस्खलन वाली जगहों का होगा ट्रीटमेंट। सुरंगें, एलिवेटेड कॉरिडोर और बाईपास बनेंगे। साफ है केंद्र सरकार बिना शोर मचाए उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी है। हालांकि अब सब सामने है तो हरीश रावत अब किस मुंह से केंद्र को कोसे। 1.5 साल पहले ये खाका बनाया था और सबमिट किया था केंद्र सरकार को। मैं बहुत आभारी हूँ, मैं नितिन गडकरी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बड़ी अच्छी पहल कर रहे हैं और पॉलिटिक्स से हट करके उन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ शुरुआतें करने का संकेत दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेसियों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहने के लिए कुछ खोज ही लिया है। आभार जरूर प्रकट करेंगे कि स्वीकृति आई है, पर हम ये चाहेंगे कि काम जल्दी आरंभ होना चाहिए, जिससे जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे, जमीनी हकीकत के रूप में हमारी योजनाएं अमल में आ सके, ये जरूर हम लोग चाहते हैं। बीजेपी का तो दावा है कि केंद्र राज्य को इतना पैसा दे चुका है जितना अब तक किसी सरकार ने नहीं दिया होगा। भारत सरकार लगातार पैसा दे रही है। कुंभ मेले के लिए पैसा दिया, उसका कोई हिसाब नहीं। अब भाई चार धाम के लिए पैसा दिया, आपदा में पैसा दिया, उसका आपने यूटिलाइजेशन नहीं भेजा। बढ़िया की दुकान से अगर बढ़िया भी अगर अपना कोई सामान बेचता है, कहीं लेजर रखता है ना, उसका हिसाब किताब तो रखता है। आप हिसाब किताब नहीं दोगे और फिर कहोगे कि नहीं भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार ने उत्तराखंड को सड़कों की सौगात दी है, ऐसे में आने वाले वक्त में चारधाम यात्रा और भी सरल और सुगम हो जाएगी। राज्य सरकार मदद न मिलने के लाख सियासी स्वांग रचे, मगर राज्य की बदलती सूरत खुद ब खुद सब बयां कर देगी। प्रदेश की हरीश रावत सरकार केंद्र सरकार को लगातार राज्य की उपेक्षा के लिए कोसती आ रही है, लेकिन केंद्र भी आंकड़ों के साथ जवाब देने में जुटा है। केंद्र साफ तौर पर कह रहा है कि लगभग कई करोड़ रुपए मात्र राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्र ने दिए हैं, ऐसे में उपेक्षा कहां से हो गई? साफ है चुनावी साल है, ऐसे में ऐसे आरोप आगे भी लगते रहेंगे और नए आरोप निकल के सामने आ जाएं तो अचरज मत कीजिएगा। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस।